हाय एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? ठंडा लग रहा है ना? बहुत ज्यादा ठंडा है यार। ये जो दाना चक्रवात आ गया है, साइक्लोन, इसी के कारण। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे हिंदी के बारे में, ठीक है? तो सबसे पहली बात, ऐसे हिंदी और ये किस किस यूनिवर्सिटी में काम देगा वो भी जानेंगे, ठीक है? देखिए सिलेबस को देखिए, ये आपका सिलेबस है। इसमें आपको पढ़ना है क्या क्या पढ़ना है? पत्र लेखन, पल्लवन, संक्षेपण, वर्ण, वाक्य, ठीक है, मुहावरे, लोक्तियां, निबंध। अगर आपका सिलेबस ये है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सबके लिए काम देगा, ठीक है? स्पेशली अगर बात किया जाए तो यहाँ पे रांची यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज हैं, वुमेन्स कॉलेज रांची हो गया, ठीक है, रांची, उसके बाद संत जवेर हो गया, मारवाड़ी कॉलेज हो गया, उन सभी में काम देगा। चलिए तो एसी पेपर हिंदी को आज हम लोग करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने गैस पेपर वगैरह नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, क्योंकि टाइम आ गया है एग्जाम का, ठीक है? एग्जाम आपका जैसे ही झारखंड में इलेक्शन कंप्लीट होता है, आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है? और आपका नवंबर में देखने को मिल जाएगा एग्जाम का रूटीन। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे ये तो सिलेबस हमने देख लिया क्या क्या पूछेगा, ठीक है? अब देखते हैं, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन को हाईलाइटेड कर देता हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन है आप लोग कर लीजिएगा घर में। मैं अभी फिलहाल आपको एक सरसरी निगाह से पूरा का पूरा गेस्ट पेपर प्रीव्यू करवा दूंगा, ठीक है? जिसको खरीदना है खरीद लेंगे, और जिसको पढ़ना है ऑनलाइन वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन भी पढ़ के लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ऑफलाइन देखिए, ऑफलाइन में जब तक नहीं पढ़िएगा ना किसी चीज को, तो मतलब लगता नहीं है कि क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है लॉन्ग आंसर टाइप में, ये आपका प्रशासनिक पत्राचार से आप क्या समझते हैं? आवेदन पत्र के प्रारूप को स्पष्ट करें, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन है, पहला है प्रशासनिक पत्राचार से आप क्या समझते हैं, दूसरा है आवेदन पत्र का प्रारूप, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन ये हो गया और इसका आंसर लिखा गया है, और फिर सरकारी पत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है, और उसी में वो प्रश्न नंबर में ही यहीं पे है कि प्रशासनिक पत्रों की भाषा शैली कैसी होती है, ठीक है? ये भी आपको देखने को मिलेगा। आवेदन पत्र का शैली कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है, पूरा साइंस इसके पीछे जो होता है, ठीक है, वो सारा कुछ। और उसके बाद यहाँ पे आवेदन पत्र लिखा गया, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, तो अगला है हमारा, प्रशासनिक पत्राचार के संदर्भ में आदेश का आशय स्पष्ट कीजिए, एक आवेदन का आलोक भी कीजिए, ठीक है, सॉरी आलेखन भी कीजिए। प्रशासनिक पत्राचार के संदर्भ में आदेश का आशय स्पष्ट करें, आदेश क्या होता है, ठीक है, एक आवेदन पत्र का आलेखन भी करना है आपको, तो ऑफिस ऑर्डर जो होता है उसी के बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा फॉर्मेट दिया गया है ऑफिस ऑर्डर, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है। जैसे यहाँ पे रहता है संख्या, विज्ञापन संख्या या फिर वार्ड नंबर जो भी रहता है विभाग, ठीक है, भारत सरकार नई दिल्ली, यहाँ पे हो सकता है झारखंड सरकार रांची लिखा हो, ठीक है? और इस तरह से दिया जाता है कि आदेश दिया जाता है कि 2 महीने के अंदर प्राक्कलन तैयार कर दिया जाए, या फिर जो अधिग्रहित भूमि है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई टेंडर हो सकता है। तो इस तरह से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है, वो लिखा जाता है, वो आपको जानना है। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, और मैं इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बोलना चाहूंगा, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लें, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आने का 90% संभावना है। क्वेश्चन क्या है, पल्लवन से आप क्या समझते हैं, पल्लवन लेखन की विधि का उल्लेख करें, ठीक है? इसी क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है कि पल्लवन क्या है, इसे परिभाषित करें, पल्लवन लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है? दोनों क्वेश्चन सेम है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं पहले ही बता दूंगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना है, पल्लवन। और दूसरा है आपका संक्षेपण, ठीक है, तो यहाँ पे जानना है पल्लवन की विधि कैसी होती है। फिर आपको यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं पल्लवन के, जैसे आपको दे देगा बहुत सारा लिख के, ठीक है, और ये बोलेगा इसका पल्लवन करे, जैसे यहाँ पे है वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए कि मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है, तो ये वर्ड थोड़ा सा सेंटेंस आगे पीछे हो गया है। और इस तरह से लिख देगा कोई वाक्य और बोलेगा कि इसका पल्लवन करें, ठीक है, या फिर इसका संक्षेपण करें,
पल्लवन मतलब जितने शब्दों में दिया गया है ना उसको बढ़ा के लिखना। अगर 100 शब्दों में कोई वर्ड दिया गया है और बोल देगा कि 500 शब्दों में इसका पल्लवन करें, मतलब बढ़ा के लिखना है अपने से जोड़ जाड़ के, ठीक है। और संक्षेपण अगर वहीं पे पूछे जस्ट इसका उल्टा, तो अगर 500 शब्दों का कोई वर्ड है तो उसको छोटा शब्द में लिखना है 50 शब्दों में या 100 शब्दों में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्रोध एक तरह का रोग है जिसे क्षणिक पागलपन भी कहा जा सकता है, ठीक है, शॉर्ट टाइम मैडनेस हम लोग बोल सकते हैं। और बोला भी गया है कि क्रोध है बुद्धि नाशति, यानी कि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है। तो गुस्सा कम से कम करिए, जितना कम रहेगा उतना अच्छा, नहीं तो हाई बीपी हो जाएगा। वैसे मेरा बीपी लो हो गया यार, कल रात को चक्कर आ गया था, फिर नमक पानी और ORS वगैरह पिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट है आपका कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो रस करे तो तस चाखा। देखिए सिंपल सा बात है, ये जो हमारा संसार है कर्म सिद्धांत पे चलता है, आप जैसा कीजिएगा आपको वैसा ही फल मिलेगा, ना तो उससे ज्यादा ना ही उससे कम, एग्जैक्ट उतना ही मिलेगा जितना आप मेहनत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जब आवे संतोष सब धन धुरी समान, मतलब अगर संतोष आ गया ना तो बोलते हैं कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है, तो संतोष है तो दुनिया का लाखों संपत्ति मिल जाए आपको कोई उससे मतलब नहीं, ठीक है, फिर वह व्यक्ति अपनी मौज में जीता है, ठीक है। तो संतोष होना चाहिए, अगर संतोष नहीं है तो फिर हाई डक टक लगा रहता है, मतलब कितना भी पा लीजिए फिर भी लगा कि यार फिर भी एक तरह से अच्छा भी है लेकिन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, संतोष होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। देखिए सही समय है, सही शाम काम कर लीजिए, नहीं तो टाइम बीतने के बाद फिर क्या फायदा। जैसे अभी आप लोग का पढ़ने का टाइम है, पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर एग्जाम के पास आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब पढ़ने का क्या फायदा, ठीक है। और अभी नहीं पढ़िएगा फिर उम्र बीत जाएगा तब जाके आप अपना ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कीजिएगा, तो फिर वही हो गया कि तब पछतावे क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो सही समय में सही काम को करिए। देखिए प्रत्येक वर्ड जो है ना आपको ना बहुत कुछ सीख देगा, यहाँ पे जितना भी उदाहरण दिया गया 13 उदाहरण है, 13 उदाहरण से। फिर आपका मन के हारे हार है मन के जीते जीत, ठीक है। मन से अगर आप हार गए ना तो जीतना मुश्किल है, हाँ शरीर से हार जाते हैं तो आप जीत सकते हैं लेकिन मर के हारने से नहीं जीत पाइएगा, ठीक है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि आप बोलिएगा मैं IIT क्लियर कर दूंगा यार, ठीक है, मतलब वही चीज जो आपके लिए लायक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कर भैया बल अपनी छाड़ी पराई आस, मतलब ये बोला गया है कि अपने व्यक्ति को अपने बाहुबल पे अपने पे विश्वास रखना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बहुत आदमी बोलता है कि यार आने दो ना उसको, उसके बाद ही काम शुरू करेंगे, नहीं यार अपने से काम शुरू करो, कोई आए या ना आए, ठीक है, कोई आपको मोटिवेट करे या ना करे। नेक्स्ट है आपका नारी का सौंदर्य आभूषण से नहीं बल्कि सौम्य गुणों से होता है, बिल्कुल एक सच्चा जो मतलब लड़कों को अधिकतर वैसे ही गर्ल्स पसंद होती है जो कि अपने मतलब फेस पे या फिर अपने क्या बोले यार बोलने का तो नहीं आता है, फिगर वगैरह या फिर जो भी है अपना बॉडी वगैरह, ठीक है, इन सब पे ज्यादा ध्यान ना देके लिपस्टिक फेयर एंड लवली जो भी होता है, ठीक है, आईब्रो वगैरह क्या क्या बोलते हैं, इन सब पे ध्यान ना देके वे जो गर्ल्स हैं उनको अपने कैरेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, अपनी बातों को ध्यान देना चाहिए, क्रोध, ठीक है, अपने एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, वो हमें पसंद आती है, सरल स्वभाव हो, सुशील स्वभाव हो, ठीक है, अच्छा चरित्र हो, ऐसे गुणों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एकदम नाइट क्लब जाती हो वगैरह वगैरह, फालतू ही सब है, ठीक है, और एकदम श्रृंगार करते हो टॉप लेवल का, नहीं यार हम लोगों को ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक सरल स्वभाव, बोला भी गया है कि सादा जीवन उच्च विचार, यही है मानव जीवन का आधार, ठीक है। और आजकल की गर्ल्स शायद ये फॉलो नहीं करती हैं, ज्यादा दिखावे पे जाती हैं, दिखावे पे नहीं जाना है, ठीक है, ये अंततः आप ही को खराबी करेगा और क्या बताएंगे, ठीक है। और हम मुझे भी वैसी गर्ल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, चलिए मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, अपने माध्यम से बॉयस लोग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो सरल जीवन ही बॉयस को ज्यादा भाता है। नेक्स्ट है आपका विदेशी भाषा का
विद्यार्थी होना बुरा नहीं है, विदेशी भाषा के विद्यार्थी होना बुरा नहीं है, जैसे इंग्लिश सीखना बुरा नहीं है, पर अपनी भाषा का सर्वोपरि महात्मा गांधी, अपनी भाषा ही सर्वोपरि है। बिल्कुल, जैसे मेरा भाषा है कोटा और मैं कोटा बोलता भी हूँ, ठीक है, चाहे मैं रांची जाऊँ चाहे कहीं भी जाता हूँ कोटा बोलता हूँ, ठीक है, अपने जो दोस्त हैं उससे मैं तो कोटा में ही बात करता हूँ, अपने माता पिता, ठीक है, सब हम लोग कोटा में ही बात करते हैं, आपका हो सकता है संथाली हो, कुरमाली हो, जो भी है हो, ठीक है, जो भी भाषा है आपका, आप अपने भाषा पे बात करें, ऐसा नहीं कि आप शहर जाते हैं तो दूसरा भाषा बोलने लगे, नहीं यार, भाषा में क्या रखा है भाई, आपके अंदर जो टैलेंट है वो भाषा से थोड़ी झलकता है, ठीक है, हाँ भाषा का प्रयोग करिए ना जब आपको करना है, ठीक है, तो खास करके गर्ल्स देखिएगा कि थोड़ा सा पढ़ लेंगी अगर तो बाप गो, इंग्लिश से नीचे उतरता ही नहीं है हिंदी, मैं नहीं खाऊंगी, चलो यार नहीं खाओ, नहीं खाना होता यार जो, ठीक है, खोटा मतलब जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है, खोटा हो, नागपुरी हो, कुरमाली हो, पंचपरगनिया हो, ठीक है, संथाली हो, मुंडारी हो, बोल जो भी आपका भाषा है आप अपने भाषा पे बात करें, खास करके गर्ल्स लोगों को मैंने देखा है कि उन लोग जो है मतलब अपना भाषा को भूल जाते हैं, थोड़ा सा साक्षर क्या हो जाएंगे वो भाषा ही भूल जाती है, अपने बच्चों को भी हिंदी में बात करना सिखाएंगे, नहीं सिखाइए अपना रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज सिखाइए, हिंदी तो अपने आप सीख जाएगा बच्चा, रीजनल लैंग्वेज सिखाइए, बंगाली सिखाइए, ठीक है, अपना जो भी भाषा है उसके अलावा इंग्लिश को सिखाइए, ठीक है, तो अपने मातृभाषा को कभी मत भूलिएगा दोस्तों, प्लीज, ठीक है, निवेदन है, अगर हम नहीं बोलेंगे अपनी मातृभाषा तो और कौन बोलेगा बताइए, दूसरा आदमी थोड़ी आएगा बोलने। चलिए, दुख की पछली रजनी बीच विकसित सुख का नवल प्रभात, देखिए सुख और दुख आता जाता रहता है, बहुत कुछ सीख देगा ये जो बुक है आपको बहुत सीख देगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट सुख दुख आता जाता रहता है, इसलिए मनुष्य को विचलित नहीं होना चाहिए कि आज बहुत ज्यादा दुख है, वो दिन ढल जाएगा भाई, सब्र करो वो दिन भी पार हो जाएगा, ठीक है, जो भी दुख का दिन है वो पार हो जाएगा, सुख दुख पहिए के समान है घूमता रहता है, ठीक है, मौज में रहिए आराम से, जो होता है आराम से रहो, ठीक है, अपने सीने के अंदर सब छुपा के रखो बस। नेक्स्ट है 11 नंबर, श्रम ही, श्रम ही से सब मिलत है, बिन श्रम मिलत ना काही, बिल्कुल ठीक है, मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, देखिए मेहनत नहीं करता तो शायद मुझे भी आज ये YouTube वगैरह हो गया, चाहे काम वगैरह जो भी है, ठीक है, मेहनत करने से ही मिला है, मेरे साथ भी बहुत सारे दोस्त हैं जो पढ़ाई करते थे मुझसे आगे आगे रहते थे, टॉपर वगैरह, ठीक है, मैं भी टॉप करता था लेकिन मैं सेकेंड थर्ड रैंक आता था, फर्स्ट रैंक नहीं आया था, ठीक है, वो लोग पीछे हो गया आज तक, क्योंकि उन लोग छोड़ दिया पढ़ाई वगैरह, मैं करता रहा रेगुलर, ठीक है, काम किया, उन लोग भी काम किया, मैं भी काम करता था, ट्वेल्थ के बाद से मैं भी काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है, तो काम के साथ भी मैंने पढ़ाई को रेगुलर रखा, इस कारण आज जो भी है थोड़ा बहुत नहीं है फिर भी जो भी है आपके सामने है, ठीक है, तो मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा, पढ़ाई कीजिए ईमानदारी से और जो भी काम करना है आप अपना लाइफ में वो कीजिए, ठीक है, लेकिन ईमानदारी से, कोई ऐसा नहीं, अपने आप को धोखा मत दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता, देखिए बिना काम के कुछ नहीं मिलता वही बार बार चीजें आ रही हैं, और मोबाइल पे ज्यादा शॉर्ट्स वगैरह मत देखा कीजिए, 2 घंटा 3 घंटा देखते हैं शॉर्ट्स में ही बिता देता है एकदम, बाप रे, स्क्रॉल करते करते वहां पे क्या पैसा मिल रहा है आप लोग को, आए रे बुड़वा उतना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, शॉर्ट्स में पैसा मत बिताइए, लड़कीबाजी में टाइम मत बिताइए, काम कीजिए, काम नहीं देखिए पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से अगर टाइम मिल जाता बहुत ज्यादा 2 घंटा पढ़ने के बाद थक जाते तो कोई काम कर लीजिए पार्ट टाइम, ठीक है, मॉल वगैरह हो गया या फिर आपका फादर का दुकान है तो फादर का दुकान वगैरह में बैठ जाइए, कुछ भी नहीं है तो आप बहुत सारा रांची वगैरह में काम मिलता है यार, काम कीजिए पार्ट टाइम, ठीक है, टाइम वेस्ट मत कीजिए ये सब में। चलिए, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं, जाको विधि दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले, देखिए जिसके मनुष्य का मति अगर हरने लगा ना, ठीक है, बोलते हैं कि मनुष्य पे जब दुख आता है तो सबसे पहले उसकी बुद्धि को हर लिया जाता है, ठीक है, इसलिए आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, जैसे
श्री राम भगवान ने जो हिरण को मारा और बाद में पछताना हुआ। ठीक है, हालांकि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अगर आप अच्छा ही करेंगे ना तो डेफिनेटली आपके साथ बुरा नहीं होगा। नेक्स्ट है, सबको सन्मति दे भगवान, सबको अच्छा बुद्धि दे, यही है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे ये सारे उदाहरण थे 11 को, हो सकता है उनमें से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखने को दे दे कि इसका पल्लवन करें, मतलब 50 शब्दों में दे देगा और बोलेगा कि 500 शब्दों में पल्लवन करें या फिर 200 शब्दों में पल्लवन करें। ठीक है, बड़ा अर्थ में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट है, संक्षेपण का क्या अर्थ है, संक्षेपण के प्रयोजन एवं स्वरूप की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन भी वीवीआई है, दो क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, पल्लवन वाला, पल्लवन और संक्षेपण। ठीक है, संक्षेपण का क्या तात्पर्य है, संक्षेपण के प्रयोजन एवं स्वरूप की व्याख्या करें, यही क्वेश्चन। संक्षेपण का अर्थ स्पष्ट करें, संक्षेपण के लिए किन किन विधि या नियमों का पालन आवश्यक है, उदाहरण सहित आपको बताना है। ठीक है, इसमें संक्षेपण का प्रयोजन, ठीक है, मतलब क्यों हम लोग संक्षेप करते हैं, संक्षेप का स्वरूप, किस प्रकार संक्षेप करते हैं, विधि क्या है, प्रोसेस क्या है संक्षेप करने का। ठीक है, फिर कुछ ध्यान देने रखने योग्य बातें, ये जाननी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, अब उदाहरण जैसे दे देगा आपका, संक्षेपण के कुछ उदाहरण है। पहला उदाहरण, इतना बड़ा लिखने को दे देगा और बोलेगा कि इसका संक्षेप करें। ठीक है, कोई लिखने को 50 वर्ड का 500 शब्द का रहेगा पैराग्राफ और बोलेगा इसको संक्षेप में 200 शब्दों में लिखें या संक्षेप में 100 शब्दों में लिखें। ठीक है, यही हो गया आपका संक्षेपण, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से आपके यहाँ पे टोटल उदाहरण दिए गए हैं, कई दिया गया है उदाहरण, 4-5 को। उदाहरण सब पढ़े या ना पढ़े, लेकिन जो टॉपिक दिया गया है आपका प्रोसेस वगैरह का वो पढ़ लें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या है, हिंदी भाषा के संदर्भ में समझाइए। अगला है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, विस्तृत वर्णन करें और अथवा स्वर एवं व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण करें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 15 मार्क्स का आएगा, ये अगर आता है तो आपका 5 मार्क्स का आएगा, ये भी अगर आएगा तो 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, हालांकि इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा होगा, इसका आंसर छोटा छोटा होगा। ठीक है, देखिए, वर्ण मनुष्य अपने विचारों भावों की अभिव्यक्ति हो, यार बहुत लंबा दिया गया, आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए, वर्ण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वर वर्ण जो अ से लेकर अ तक जाता है, और एक होता है व्यंजन वर्ण जो क से लेकर ज्ञ तक जाता है। ठीक है, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये दो वर्ण होते हैं। ठीक है, और व्यंजन वर्ण इंग्लिश में हम लोग वोवेल और कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश वर्ण हालांकि हम लोग नहीं पढ़ते हैं, और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 45 है, ये आपका 1 मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, कितना, 45, ये कितने हैं आपका, तो 12 है, 1 2 3 4 5 6, 6 × 12। ठीक है, और इधर गिनिए 5 5 करके, तो 5 10 15 20 25 30, 30 और 12 कितना हो गया, 42 43 44 45। ठीक है, 45 को हो गया, और वहीं पे अगर री को जोड़ लेते हैं, ठीक है, री तो आपका यहाँ पे देखिए री को नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, री को अगर जोड़िएगा तो 46 को होगा। संस्कृत वर्णमाला में एक और स्वर्ण है री, संस्कृत वर्णमाला में री को जोड़ा जाता है और हिंदी वर्णमाला में री को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये आपका 46 हो जाएगा संस्कृत के लिए। चलिए आगे देखते हैं, और अंग्रेजी का तो जानते हैं आप लोग, इंग्लिश में, हालांकि इंग्लिश हमें नहीं पढ़ना है, 26 को, कॉन्सोनेंट होता है ना, नहीं कॉन्सोनेंट और वोवेल, 26 को लेटर होता है ABCD का, उसमें से आपका 5 को वोवेल होता है और 21 को कॉन्सोनेंट होते हैं, और सेमी वोवेल 2 को होते हैं ना। चलिए, हालांकि इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा बहुत वो भी जानना जरूरी है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, और फिर आपको जानना है व्यंजन वर्ण के बारे में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, तो पार करते हैं जल्दी जल्दी से, बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या क्वेश्चन आएंगे और इम्पोर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, अगला है आपका, वाक्य से आप क्या समझते हैं, वाक्य के विभिन्न उपकरणों का वर्णन करें, उपकरण यार वाक्य से आप क्या समझते हैं, वाक्य के विभिन्न प्रकार, यहाँ पे आप लिख सकते हैं विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, वाक्य रचना, शुद्ध वाक्य रचना के सामान्य नियम जानने हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, कि वाक्य से आप क्या समझते हैं, वाक्य के विभिन्न प्रकारों को बताइए। ठीक है, यहाँ पे उपकरण की जगह पे आप प्रकार कर लीजिएगा। तो देखिए, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये 3 को आपको जानना है जनरली, 3 को, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पे निबंध। निबंध के बारे में आ सकता है कि किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखने को आ जाए 15 मार्क्स का, ठीक है। निबंध की परिभाषा करें और प्रकार लिखें, या फिर निबंध किसे कहते हैं, या फिर निबंध के विभिन्न जो भी भाग होते हैं यानी कि अंग होते हैं, ठीक है, उसको लिखना है। और एक निबंध भी लिखने को आ सकता है। अब देख लेते हैं, तो निबंध में आपको आ सकता है कौन कौन से, जैसे पर्यावरण का टॉपिक हो गया, ठीक है, या फिर हो सकता है साइंस के टॉपिक में दे दे, या फिर कोरोना वायरस के टॉपिक में दे दे, या फिर मातृभाषा के टॉपिक में दे दे, कोई भी किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखने को आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा आपको 1 मार्क्स में मुहावरे आ सकते हैं और उनके अर्थ आ सकते हैं, ठीक है। अंगूठा चूसना, अरे यार यही बोला पढ़ने सका तुम खुशा मत करना, ठीक है, बचपन में हम लोग अंगूठा चूसते थे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अंगूठा दिखाना, देने से इनकार करना, नहीं साफ इनकार करना, जो भी है दोनों सेम होगा, ठीक है। अंगार सिर रखना, अंगार सिर रखना कठिन कार्य करना। अंगार मतलब समझते हैं, अंगार मतलब होता है आग का जो अंगरा होता है, लकड़ी का जो चूल्हा जलाते हैं, ठीक है, उसमें जो आग होता है उसको बोरसी में लेके हम लोग बैठते थे और अभी भी बैठते हैं यार ठंडा के दिन में, ठीक है, तो उसी को अंगार बोलते हैं, अंगरा बोले अंगरा, ठीक है। नेक्स्ट है मृत्यु का कारण बन सकती है, तो अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब बिना परिश्रम के सफल होना। जैसे कोई कोई बच्चा होता है ना कि एग्जाम में जाता है अंधे भर देता है और पास भी हो जाता है बहुत अच्छे मार्क्स से, और बहुत निथरा जाएगा, अरे बेटा हमारे इतना मार्क्स आ गया, ठीक है, और अगले बार फिर उसी तरह करता है, फिर उसका फेल हो जाता है। तो एक बार लग सकता है आपको तुक्का, दूसरी बार नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है, उसके बाद और कुछ चीजें बचती हैं जिसको देख लीजिए। हाँ ये आपका संस्कृत हिंदी उपसर्ग, संस्कृति नहीं, इसको संस्कृत कीजिए, संस्कृत हिंदी उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय तो जानते हैं, जब किसी शब्द के आगे में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन किया जाता है तो उसको उपसर्ग बोलते हैं, और जब किसी शब्द के पीछे में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उसको प्रत्यय, प्रत्यय में पीछे उपसर्ग में आगे, ठीक है। फिर उर्दू उपसर्ग देख लीजिएगा, उर्दू फारसी अरबी। अच्छा हिंदी भाषा का तो लिपि सबको जानते हैं देवनागरी है, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है मालूम है ना, देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी, चलिए उतना जानना नहीं होगा। संथाली का ओलची की, ठीक है। नेक्स्ट है करणवाचक संज्ञाएं और संस्कृतवाचक विशेषण, इतना ये सब करिएगा चाहे नहीं करिएगा, वो जो ऊपर वाला है पल्लवन संक्षेपण वर्ण, ठीक है, और वाक्य, ये चार को क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये चार क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे आपके। फिर आपके लहावते और लोकटियां ये वाला ये 1 मार्क्स वाले आएंगे सब, ठीक है। और ये जो निबंध लेखन है इसमें एक टॉपिक पे आएगा, तो निबंध तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, 15 में 10 नंबर लेते आइएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जितना भी आपका 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपको 3 खड़ा पन्ना में करना है। अगर आप 3 खड़ा पन्ना में कर लेते हैं तो आपको 12 नंबर मिलेगा, ठीक है, कम से कम 3 खड़ा पन्ना, अच्छा मार्क्स चाहिए तो। और ये हो गया बस, बाकी आप लोगों के यूनिवर्सिटीज में या फिर कॉलेज में है नया नया अच्छा आया होगा, 9-10 को देखे होंगे, ठीक है, उन लोग ग्रेजुएट अप्रेंटिस है क्योंकि उन लोग ने ग्रेजुएशन में ज्यादा ज्यादा मार्क्स लाया था, ठीक है, इसी कारण उन लोग का हो गया है। चलिए अब बोलिएगा आपका नहीं हुआ यार, आर्ट्स वालों का ना बहुत तो कम चांस होता है कि ये हो, देखिए हालांकि मैंने अपने जितना भी है स्टूडेंट उससे सबसे ज़्यादा मेरा ऑनर्स जो भी है पॉलिटिकल साइंस उसमें सबसे ज़्यादा मैं ही ले आया था, 71% है, लेकिन आर्ट्स में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलता है। लेकिन जो लोग BCA किया होता है, चाहे मैथ ऑनर्स करता है, चाहे साइंस का BSc कैंडिडेट होता है, उन लोगों का ज़्यादा मार्क्स मिल जाता है और उन लोग ज़्यादा नंबर लेते आता है, तो उन लोग का हो गया है, ठीक है, हालांकि हो जाएगा कहीं ना कहीं मेरा भी। चलिए जब भी होगा तो करेंगे, फिलहाल आप लोग बुक वगैरह खरीद के घर में पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को एक एक दो दो वीडियो करके देता रहूँगा, जब भी मुझे टाइम मिलता है आप लोग के लिए वीडियो लाता हूँ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, ठीक है, पढ़ाई कीजिए डेली कम से कम 3 घंटा पढ़ाई कीजिए, एटलीस्ट 3 आवर, ठीक है, और अच्छा है तो 4 घंटा मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाय बाय, कहाँ गया यार बटन, तो बंद करेंगे।